asalaamu alaikum guys how are you all i am back with another fabulous video in this video i will show you how to design uh, stairs uh, monolithic stairs in just 6 minutes so keep supporting me subscribe my channel and press the bell icon <music> ओके सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट वीडियो में जो है हमने ये रेजिडेंशियल स्टेयर केस जिसमें रेलिंग और ट्रेड्स हमने जो है वो ऐड कर रहे थे कॉलम ऐड करा था जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो लास्ट वीडियो देख सकता है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने पब्लिक स्टेयर केस जो है वो किस तरीके से डिज़ाइन करनी है इन जस्ट सिक्स मिनट्स वीडियो में तो उसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले मैं लेवल वन पे आ जाता हूँ और लेवल वन पे देखें हमारी एक पहले से जो स्टेट्स है रेजिडेंशियल uh, स्टेट्स वो हमारी क्रिएट है दैन स्टेट्स मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर कास्ट इन टू में मोनोलिथिक स्ट्रेट्स ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कास्ट इन सी टू में मोनोलिथिक स्ट्रेट सेलेक्ट कर ली है मैंने और दैन उसके बाद मैं क्या करता हूँ फुल स्टेब स्पायरल यहाँ से स्ट्रेट सेलेक्ट करूँगा ठीक है और दैन उसके बाद जो है वो एक्चुअल रन वेट जो है मैं हंड्रेड पे ही इसकी रहने दूंगा दैन यहाँ पर आके एक हम स्ट्रेट क्रिएट करते हैं जिसका जो सर्कल है हमारे पास सिक्सटी मिलीमीटर mm का होना चाहिए तो ये देखें सिक्सटी मिलीमीटर mm का मैंने एक सर्कल क्रिएट कर लिया है बेसिकली ये सर्कल नहीं है ये स्ट्रेट केस हमने क्रिएट करी है ठीक है दैन ये हमने क्रिएट करके यहाँ से ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से क्रिएट करके फिनिश एडिट मूड कर देना है आपने फिनिश एडिट मोड करने के बाद हमने थ्री डी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये क्रिएट हुई है और ये देखें यहाँ पर जो है वो हमारी पब्लिक स्टेयर केस जो पूरी हमारी कंक्रीट की स्टेयर केस होने वाली है तो वो हमारी यहाँ पर क्रिएट हो गई है बट ये देखें ये वाली जो है हमारी ये रेजिडेंशियल स्टेयर केस है और ये जो हमने अभी क्रिएट करी है ये पब्लिक स्टेयर केस है तो यहाँ से इसके में जो रेलिंग है वो रिमूव कर कर देता हूँ रेलिंग सपोर्ट दोनों तरफ की रेलिंग में इनकी रिमूव कर देता हूँ तो ये हमारे पास सिर्फ स्ट्रेट केस आ गई है सो so, इसकी जो सपोर्ट होगी हमारी इस स्ट्रेट केस की जो सपोर्ट होगी वो रेलिंग सपोर्ट नहीं देनी है हमने यहाँ पर कंक्रीट सपोर्ट देंगे हम इस रेलिंग इसकी स्ट्रेट इस केस की तो उसके लिए हमने क्या करना है इसको हम क्या करते हैं इस स्टेयर केस की जब हमने कंक्रीट सपोर्ट देनी है इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से मैं देन सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे मैं आ जाता हूँ एडिट टाइप में आकर हमने क्या करना है सपोर्ट पे देखें आप सपोर्ट पे आ जाएंगे हम और यहाँ से देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि राइट right वाली जो सपोर्ट है ना इधर हमने जो है वो एक आ, रेलिंग देनी है बट हमारी कंक्रीट की होगी वो ठीक है तो सपोर्ट पे आके राइट right सपोर्ट में आ गया हूँ मैं और यहाँ से स्ट्रिंगर क्लोज्ड में मैंने सेलेक्ट कर लिया है देन उसके बाद हमने क्या करा है ये देखें यहाँ पर मैं आ गया हूँ राइट सपोर्ट टाइप पे थ्री डॉट पे आ गया हूँ मैं राइट right सपोर्ट टाइप पे थ्री डॉट पे आके मैंने विड्थ जो है इसकी वो हंड्रेड मिलीमीटर mm कर देता हूँ अ uh, मिली mm जो है इसकी विड हम कर देंगे और दैन उसके बाद टोटल जो लेंथ है टोटल लेंथ इसकी मैं कर देता हूँ वन ट्वेंटी मिलीमीटर और यहाँ से अप्लाई कर देंगे ओके okay कर देंगे अप्लाई कर देंगे दैन ओके okay कर देंगे तो उसके बाद आप देखते हैं कि जैसे हमने ये सेटिंग करी तो हमारी जो ये सपोर्ट है इसकी रेलिंग सपोर्ट ये कंक्रीट में हमारे पास जो है वो आ, शो हो गई है यहाँ पर आ गई है बट इसका जो मटेरियल है ना मैं आपको बताऊँ इसका मटेरियल जो है ना वो कंक्रीट का नहीं है तो हमें इसको कंक्रीट में चेंज करना होगा तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और एडिट टाइप पे आ जाते हैं एडिट टाइप पे आके देखें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में राइट right सपोर्ट पे आ जाते हैं और राइट right सपोर्ट पे आके रन यहाँ पर देखें रन टाइप पे आ जाते हैं हम इधर राइट सपोर्ट पे आके और राइट right सपोर्ट पे आके थ्री डॉट पे मैंने क्लिक करा है और मटेरियल एंड फिनिशेस पे आ गए हैं हम ठीक है मटेरियल एंड फिनिशेस पे आके हमने क्या करना है यहाँ से मटेरियल सेलेक्ट कर लेना है इसका मैं मटेरियल सेलेक्ट करता हूँ कास्ट इन सी टू ये वाला कंक्रीट कास्ट इन सी टू ये वाला मटेरियल मैंने इसका रखना है सेलेक्ट कर लिया है यहाँ से डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ से इसका मटेरियल हमारे पास सेलेक्ट हो गया है देन इसको अप्लाई करता हूँ और ओके okay कर देता हूँ तो ये यह देखें यहाँ से कंक्रीट कास्ट इन सी टू मटेरियल हमारा यहाँ पे आ गया है ओके अप्लाई ओके तो ये देखें हमारी जो स्टेयर केस है पब्लिक स्टेयर केस कहलाती है ये ठीक है ये रेजिडेंशियल स्टेयर केस नहीं है ये पब्लिक स्टेयर केस है तो ये देखें इस तरीके से ये हमारी पूरी कंक्रीट की स्टेयर केस लगी है कंक्रीस कंक्रीट कास्ट इन सी टू स्टेयर केस है ये ठीक है तो इस तरीके से हमने डिज़ाइन करनी है मैंने आपको इन जस्ट सिक्सट मिनट में ये डिज़ाइन करके आपको दी है कि किस तरीके से हमने कास्ट इन सी टू स्टेयर केस यहाँ पर डिज़ाइन करनी है सो सो so, आपने स्टेप बाय स्टेप इसको जो है वो फॉलो करना होगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो आप मिस्टेक कर देंगे सो कीप सपोर्टिंग मी सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो थैंक यू वेरी मच